बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे मैंने बताया कि मैं 3 बजे उठता था, आज भी उठ रहा हूँ, तो 3 बजे से 7 बजे तक पहला 4 घंटा मैं अपने आप को देता हूँ। उसमें मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, विजुअलाइजेशन करता हूँ और बुक्स भी रीडिंग करता हूँ, क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। अभी बहुत सारे मेरे लेक्चर्स भी होते हैं, खास करके यूथ जो है वो मेरा टारगेट है, और बहुत सी जगह पे मैं सेशन लेने भी जाता हूँ, फ्री ऑफ चार्ज जाता हूँ सेवा के सिलसिले में। तो फर्स्ट 4 आवर्स है जो ब्लेस्ड आवर्स जिसको बोलते हैं ना, 4 घंटा अपने आप में, उसमें कोई बिजनेस नहीं होता है, कोई दूसरा मीटिंग नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। नाउ यू कैन आस्क। नहीं, मुझे आपके बिजनेस का एक जो समझ में आया, आप कहीं बाहर भी जाते हैं लेकिन ये जो 3,500-4,000 जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनमें किसी पे क्या कहते हैं ना, रोक टोक वाली चीज़ नहीं होती, एक अलग ही टाइप का मैनेजमेंट है आपका, वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगा। वो आप ज़रा बताइए ना कि किस तरह से मैनेज करते हैं आप एम्प्लॉयज को। ओके, हमारे कंपनी के अंदर बहुत सारी सीनियर पोजीशन पे हमारे फैमिली, हमारे रिलेटिव से, हमारे नेफ्यूज़, मेरे नेफ्यूज़ ने सब लोग हैं, तो उन लोगों को मोटिवेट करता हूँ, ओनरशिप देता हूँ वो लोग को, और वो लोग को बोलते हैं ना कि एक डिसेंट्रलाइज मीन्स पावर एक रहता है उन लोगों के पास, एक फ्रीडम रहता है कि कंपनी के अंदर सर्टन लेवल तक वो लोग डिसीजन लेते हैं और सर्टन लेवल तक वो लोग कंपनी को अपने हिसाब से चलाते हैं। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई वो अथॉरिटी वो जैसा नहीं रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग रखते हैं और वो हिसाब से हम लोग बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। अभी तकरीबन 200 से ज़्यादा हमारे स्टोर्स है अफ्रीका के अंदर जो सारे लोग चलाते हैं, और इसके अलावा ये फाउंडेशन जो रिजवान आदित्या फाउंडेशन 2 साल से खोला है, उसमें अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो सेम स्ट्रेटेजी जो बिजनेस में यूज़ किए वही स्ट्रेटेजी से हम लोग फाउंडेशन में भी यूज़ कर रहे हैं।